थे आपने कहा था बच्चों की मौत पर चिंता, लेकिन कुछ एजेंडा मीडिया मरोड़कर चला रहे हैं। कोटा के अंदर नोइंगली अननोइंगली इनोसेंटली और मिस्चिवियसली कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग इनोसेंटली, कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग अनजाने में। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया उसमें कोई दम नहीं है। आज मैंने बात की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी है, उनको मैंने कहा आप खुद एक बार पधारो, आप खुद मंत्री हो, आप जाते समझ जाओगे कि स्थिति क्या है। जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरे 5-6 साल के अंदर सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं, इतनी शानदार व्यवस्था वहां कर रखी है, फिर भी एक भी बच्चा मरे क्यों, एक माँ क्यों मरे, ये हमारी थीम है। इसलिए हम चाहते IMR MMR का रेशियो कम से कम हो यहाँ पर, ये हमारा प्रयास है। और पहली बार ही आपको जान के खुशी होगी, ये जो आईसीयू बनते हैं छोटे बच्चों के, नवजात शिशु के, ये आईसीयू ही हमारे वक्त में हम नहीं बनाए थे 2013 के अंदर। तो हमारा उस वक्त से दे था कि नवजात शिशु को भी जिंदगी में जीने का अधिकार मिले, उसके लिए उपकरण मंगाए गए पहली बार राजस्थान के अंदर। सरकार बदल गई, बाद में वो काम ठप कर दिया गया। मैं किसी को इस मौके पर दोष नहीं देना चाहता, ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरुआत से ही इसमें कोई राजनीति नहीं करी है। पिछले 5 साल के आंकड़े थे उसमें लगातार बीजेपी के शासन में ही ये आंकड़े कम होते गए और हमारे आने के बाद और कम हो गए। तो हमने ये नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने तो उनके वक्त में लोग बच्चे मरे थे, हमने बचा लिए, हमने नहीं कहा कभी। राजनीति हमने नहीं करी, क्योंकि जो स्थिति बनी है देश के अंदर, नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में देश में बना हुआ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। विपक्ष में जो यहाँ पर ये लोग हैं, हमारे लिए विपक्ष में ही हैं, आज सत्ता में लोग बैठे दिल्ली के अंदर, कई नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, कोई दम नहीं है। और मैं चाहूंगा स्पीकर साहब वहीं के हैं, ओम बिरला जी वहीं के हैं, ओम बिरला जी को चाहिए कि सच्चाई बखान करें, ये सब बातें ठीक हो जाएगी। बेवजह पॉलिटिक्स ना हो, ऐसे संवेदनशील इशू में राजनीति से परहेज करनी चाहिए, ऐसे संवेदनशील बिल्कुल करनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मौत पे राजनीति करने का तुक क्या है, वो कर रहे हैं। गोरखपुर की घटना को कंपेयर क्यों कर सकते हो, गोरखपुर में तो 1500 के आसपास लोग मरे, बच्चे मरे थे, अलग बीमारी थी, अलग कमियां थी, अलग वहाँ कई तरह की शिकायतें थी, उनको कंपेयर किया तो कोई एक दिन भी ऐसे बच्चों की मौतें नहीं हुई जो कि इस आंकड़ा पार कर गया हो। 5-6 साल के आंकड़े में कभी 8 कभी 10 लोग मरे हैं, यहाँ तो 2 दिन में 10 जो बच्चे मरे थे उनमें 6 बच्चे वो थे जो बाहर से आए थे, दूसरे हॉस्पिटल आए थे और वो मर गए थे वहाँ पर, कोई आंकड़े भी नहीं बताते हैं। फिर भी टीमें आ रही है, जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं।